हेलो एवरीवन तो आज हम साबूदाने से बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो कि रमजान के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है तो और आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है उसमें आधा कप पानी दो कप दूध डाला है इसमें एक उबाल आने के बाद हम इसमें साबूदाना डालेंगे इसको मैंने एक रात पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था बहुत अच्छे से ये फूल गया है तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और हाफ टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है इसमें वन टेबल स्पून मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद कंटिन्यूसली चलाते रहिए अब हम वन थर्ड कप इसमें शुगर ऐड करेंगे शुगर ऐड करने के बाद इसको पाँच से छह मिनट और पकाना है आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं बस उसमें कस्टर्ड पाउडर मत डालिएगा आप चाहे तो बादाम का पाउडर डाल सकते हैं यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाला है यहां मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है अब हम ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा पैन लिया है उसमें घी डाला और उसमें मैंने बादाम किसमिस काजू और पिस्ता डाल दिए हैं और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को एक मिनट तक रोस्ट करेंगे उसके बाद हमने जो साबुदाना बनाया है उसमें हम इन ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमको साबुदानों को एकदम ठंडा करना है जब तक साबुदाना ठंडा हो रहा है हम फ्रूट्स कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने बनाना पोमोग्रेनेड ग्रेप्स मैंगो स्ट्रॉबेरी ये सारे फ्रूट्स लिए हैं आपको जो भी पसंद है आप वो फ्रूट्स यूज कर सकते हैं आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं बस इसमें कस्टर्ड पाउडर मत डालिए तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है और गर्मियों के लिए भी एकदम परफेक्ट है आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय